नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और ऑब्वियस सी बात है, अपने अपने काम में बहुत बिजी भी होंगे। अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो दिमाग है ना, थोड़ा सा भी इसको खाली छोड़ दो ना, तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है, पता नहीं क्या क्या ख्याली पुलाव सोचने लगता बनाता है और उसको पकाता है और फिर वो खुद ही खा जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि उसको खाली ना रहने दे। बिजी रहना भी अपने आप में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। बिजी रहने का मैं ये मतलब नहीं कह रही कि अपनी फैमिली वालों को टाइम नहीं देना है, ये नहीं। आपको सब कुछ करना है, आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है, लेकिन एक लिमिट में रह के सबको टाइम देना है। ये बैलेंस आपको बनाना है, ये मैनेजमेंट आपको करना है कि आपको कैसे, कब, क्यों और कितना करना है। कभी कभी आप ऐसे ही बैठे होते हैं और आपको किसी कोई बात याद आ जाती है और आप बस उदास हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं। कुछ ऐसा मोमेंट था जिसको याद करके आप इतने दुखी हो गए कि बस, या फिर कहीं आपके ऑफिस में या बाहर आप गए, कुछ ऐसी न्यूज़ सुनी या ऐसा हुआ तो हम बहुत उदास हो गए, या आपके साथ ही कुछ ऐसा हो गया तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू? आपके फेस पे एक, चेहरे पे एक चिंता की लकीर आ गई, माथे पे शिखन आ गई। अब आप वापस घर जाते हैं ये चिंता लेके, सब लेके, या फिर अगर घर पे हैं तो कोई अगर आपको देखता है इस हालत में तो कहता है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, अभी तो सब ठीक ठाक था, अब क्या हुआ अचानक? आप क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, ठीक है सब। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसे उदास बैठे होते हो और सब लोग आसपास से निकल जाते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे हो, क्या हो, आपका चेहरा उदास क्यों है, या आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, कुछ कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं होता उनको। ऐसे में क्या कहता है आपका दिमाग कि मुझसे कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ और मैं ऐसा उदास क्यों बैठा हूँ, क्या कोई मुझे प्यार नहीं करता, क्या कोई मेरी फिक्र नहीं करता, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब यू आर व्हाट एक्सपेक्टिंग, यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई आपके पास आए, बैठे और आपसे दो बातें पूछे और आपके साथ ये कहे कि एक सिंपैथी, आपसे उसको सिंपैथी हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं हुआ और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया है तो अब सब ठीक है, नॉर्मल है, अब हो जाएगा, चलो कहीं घूमने चलते हैं, चलो तुम्हें क्या पसंद है, कुछ अच्छा बनाते हैं, कुछ खिलाते हैं। मतलब आप क्या चाह रहे हो कि वो आपके पास आए, आपको टाइम दे, आपसे बातें करे और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करे तो आप ठीक हो जाओ? रियली थिंक सो कि आप ठीक हो जाओ? अगर वो आपके घर का मेंबर है तो वो आप सिर्फ आपके पास ही तो उसको दिन भर बैठे नहीं रहना है, उसको अपना और भी काम करना है, उसके पास बाकी अपने खुद के भी टास्क है या खुद की भी उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स होंगी। बट चूंकि वो आपके घर का इंसान था, घर का मेंबर था, आपका वेलविशर भी था, अगर बाहर का है तो वो अपना काम करने लगेगा, या बाहर का है तो वो बाहर चला जाएगा। मुझे मोमेंट उसके साथ आपने बिताया, आपको बहुत अच्छा लगा कि वाह, लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, चलो इतने लोग मुझसे पूछने आए हैं कि क्या हुआ, कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये आप सब ठीक हो जाएगा, ऐसा ऐसा बहुत सारी बातें ऐसे करते हैं और हमें सांत्वना देते हैं। बट दरअसल वो पता है क्या होता है, वो आपका ही क्रिएट किया हुआ एक इल्यूजन होता है और आप उस इल्यूजन को सामने रख के अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि थोड़ी देर बाद, उसके जाने के बाद,
क्या आप वापस से बिल्कुल अच्छे नॉर्मल हो जाते हैं? आप उस मोमेंट के बारे में सोचते तो आपको दुख नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं होता कि ये ऐसा क्यों हो गया या नहीं होना चाहिए था यार? क्या आप उससे मुस्कुराते रहते हैं क्या? नहीं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपने एक्सपेक्ट किया, सामने वाला आया, दो बातें की सिंपैथी के साथ और चला गया, आपको अच्छा लगा, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई, दैट्स इट। आपका इल्यूजन जो था वो ठीक है, हो गया। लेकिन जो फैक्ट है, जो ट्रुथ है, वो क्या है? एक्चुअली आप वहीं के वहीं हो। आपके घर में टीवी है, रिमोट है उसका, और मान लीजिए वो रिमोट आपका नेबर जो पड़ोसी है वो ले जाए और बोले कि चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से चैनल चलाता हूँ, आप वही देखना केवल। ठीक है, एक दिन आप, ठीक है भाई पड़ोसी है, एक दिन आप दे दोगे, एक दिन उसके कहने का मान लोगे, ठीक है वो अपने अकॉर्डिंग ही सेट करेगा, वो लगाएगा, सब ठीक है। अगर यही काम वो रोज़ करे, क्या आप बियर करोगे? क्या आप उसको, आपको गुस्सा नहीं आया कि अरे मैंने टीवी को ख़रीदा है, मैं इसका सब पे कर रहा हूँ, रिमोट मेरा है, मैं अपने पसंद का कोई मतलब चैनल ही नहीं देख पा रहा, कोई प्रोग्राम ही नहीं देख पा रहा, वो बस अपने पसंद का लगाए चला जा रहा है और देखे चला जा रहा है, क्या करोगे आप जाएंगे उसकी डोर बेल बजाएंगे और उससे बोलेंगे भाई मेरा रिमोट मुझे वापस कर दे? प्यार से दे दिया तो ठीक है, नहीं तो ज़बरदस्ती वापस ले आएंगे, ऐसे ही करेंगे। तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, आपकी खुशी, आपका दुख, आपकी मुस्कुराहट, आपकी प्रॉब्लम्स, क्या इन सब का रिमोट जो कंट्रोल है एक, क्या आपने दूसरे को दे रखा है? क्या दूसरा आएगा तो ही हम शांत होंगे, तो ही नॉर्मल होंगे? क्या दूसरा अगर हमें कोई जोक सुनाएगा क्या हम तभी हंसेंगे क्या? क्या दूसरा हमें कहेगा कि बाहर जाना है, घूमना है, आज मूड हो रहा है, क्या हम सिर्फ तभी जाएंगे? मतलब हमारे मूड का क्या, हमारे कोई खुद की इच्छा नहीं है? हमारी भी इच्छा है, हम यहाँ जाना चाहते हैं घूमने, वो वहाँ जाना चाहता है, इट इज़ अप टू हिम कि वो एक्चुअली कहाँ चाहता है, कहाँ घूमना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो उसकी लाइफ है, उसका टेस्ट है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे तो मेरी ज़िंदगी का, मेरे पास रिमोट है और मुझे वो रिमोट अपने अकॉर्डिंग ही चलाना है, अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना है, अपने पसंद के प्रोग्राम्स देखने हैं। और हम क्या करते हैं असल ज़िंदगी में, अपना रिमोट किसी और को दे देते हैं। और रियल ज़िंदगी में क्या होता है, जो वास्तविकता जिसे है, जो ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उसका रिमोट तो ज़बरदस्ती या प्यार से ला के वहाँ से ले आते हैं वापस, लेकिन इसका रिमोट जो सच में इम्पॉर्टेंट है वापस लेना, उसको हम वापस नहीं लेते। सो ट्राई टू टेक योर रिमोट फ्रॉम योर नेबर, बहुत ज़रूरी है, ये आप पे ही डिपेंड करेगा, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने खुद ढूंढना है, कैसे ढूंढते हैं दूसरा नहीं बताएगा, क्योंकि दूसरा उस समय सिचुएशन पे नहीं था, उस सिचुएशन पे आप मौजूद थे, आपको पता है आपका क्या स्टेटस ऑफ माइंड था उस समय, आपको पता है सर्कमस्टांसेस कैसे वियर्ड थे या ठीक ठाक थे, या आसपास के लोग कैसे थे, क्या सिनेरियो था, आपको पता है उस समय आप किस माइंडसेट में थे। दूसरा तो अभी जो उसका माइंडसेट है अभी का, वो उसके अकॉर्डिंग आपको एडवाइस करेगा ना, और आपका दिल मानेगा नहीं वो एडवाइस, क्यों? वो कहेगा अरे यार तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था, अरे यार तुम्हें क्या पता उस समय मुझे इतना गुस्सा आ गया और खून खोल गया था कि बस ऐसा लग रहा था कि उसको एक झापड़ दूँ, होता है ना, क्योंकि नोबडी कैन प्रिडिक्ट व्हाट हैपेंस, नहीं पता ना, सिर्फ और सिर्फ ये आपको पता था, आपको पता है और आपको ही पता होगा, इसलिए इट इज़ अप टू यू
कि आप उसको कैसे लेते हैं। तो इल्यूजन वाली ज़िंदगी को छोड़ के रियलिस्टिक जो थिंग है, जो रियल में वास्तविकता है, वास्तविक ज़िंदगी है, उसको जीने की कोशिश कीजिए। और ये मैटेरियलिस्टिक वाला रिमोट तो कोई अगर ले जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आज नहीं तो कल दे देगा। कभी ना कभी तो उसका माइंड कहेगा बहुत टीवी देख लिया, चलो अब सोता हूँ, उस समय आपको मिल जाएगा। लेकिन जो ये ज़िंदगी का रिमोट है, ये अगर आप दूसरों के पास से वापस नहीं लेंगे तो आप इसी तरह दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। क्योंकि दुनिया में अधिकतर लोग, हमें ऐसा लगता है कि उनको जलन हो रही है हमसे, हमें वो गुस्सा कर रहे हैं हम पे, और पता नहीं क्या क्या हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, हमें हमारे बॉस की नज़रों में भी नीचा या कम आंकने की कोशिश करते हैं, और हम उन्हीं में सब उलझे रहते हैं और अपना काम ही भूल जाते हैं। आप अपना काम कीजिए, टाइम विल रिप्लाई एवरीथिंग। क्योंकि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, रियल रियल होता है, इल्यूजन इल्यूजन होता है। तो डोंट मेक द थिंग्स इमेजिनरी, इमेजिनरी मत बनाइए उसको, उसको रियलिस्टिक वाली चीज बनाइए। उम्मीद करूंगी कि आप अपनी जिंदगी का रिमोट आज से, अभी से अपने पास रखेंगे, और ये हक सिर्फ आप खुद अपने पास रखेंगे कि आपको कब कौन सा प्रोग्राम चलाना है। और अगर आप सच में एक नॉर्मल और सही, एक पॉजिटिव इंसान हैं, तो आई एम श्योर आप हमेशा ही हंसने वाले, पॉजिटिविटी वाले चैनल ही चलाएंगे। नेगेटिविटी वाले कभी ठीक है, कभी हो गए गलती से, तो वापस से चैनल चेंज करने की इतना आपके अंदर कंट्रोल होगा कि आप उसको तुरंत की तुरंत उसको चेंज कर ले। अंत में विदा लेती हूँ और ये उम्मीद करूँगी कि हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें, और अपनी ज़िंदगी का रिमोट सिर्फ और सिर्फ आप अपने हाथ में रखें, किसी को ना दें, क्योंकि ये रिमोट आपका है और आपने ही इसको यूज़ करना है। नमस्कार।